भाई इकलाल भाई ये बता दें मुझे, 5 लाख लोगों ने पूछ लिया कि इकलाल भाई कैसे हैं, रात्रि में 2:30 बज रहे हैं, बस नहीं सजा आप घर जा रहे हैं। जी जी, अब बेहतर हूँ, बस सर पे कुछ टांके लगे, जख्म तो बहुत सारे हैं, जितने जख्म आपके दिख रहे हैं मगर शोल्डर डिसलोकेट हुआ है जो कि शुरू में रिलाइव नहीं हो रहा था, जब एक्सरसाइज किए तो अंदाजा हुआ और फिर एक्सरसाइज तक की पेट बढ़ना शुरू हुई है, कथा जगह से हिल गया, सर पे टांके लगे, मुझे कहा गया कि सिटी स्कैन करवाए कहीं ब्लड क्लॉट ऐसा ना हो कि जो खुदा ना खास्ता, अभी करवा रहे हैं, अभी जाते हुए कहीं ना कहीं से प्राइवेट करवा लेंगे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो हो सकते मैं बेहतर हूँ, बस वो एक ट्रॉमा भी है जिससे हम गुजर रहे हैं, वो जहनी तौर पर भी कि आपको आपका आपके मुल्क का जिस मुल्क की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे को बेहतर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे के करप्ट आदमी को आप उनके अफसरान के सामने बहुत बेइज्जत तरीके से ले जाके एक्सपोज करेंगे, सर इसका कुछ कीजिए, उस इदारे ने आपको अपने कपड़े उतरवा के गन पॉइंट पे आपके जो अराकीन है कि वरना इनको गोली मार दी जाएगी, आपकी वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो जब बनती आपकी तो वो एक फखर तो है कि अपने किसी मकसद के लिए नहीं, लेकिन एक ट्रॉमा भी है कि आपके सारे टीम में बरान के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, मार पड़ती है, उनको सुधर किया जाता है, तो अभी तो ट्रॉमा भी है, फिजिकल इंजरीज भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हौसले जवान है। मैं बता रहा था अभी सारे भाई से बात हो रही थी कि इस सारे प्रोसेस में जब मार पड़ रही थी, जब बरहदा किया जा रहा था और जब जो नाजुक आजाएं उन पे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे थे, उस वक्त भी नींद सरे आपके राकीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये कारवां रुकेगा नहीं, सच का सफर जारी रहेगा, ये मारे सवाल करना चाह रहा था, वैसे तो मैं ये भी बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि आपके शोल्डर पे भी मारा है और शायद फ्रैक्चर हुआ है वो, और वो जो जख्म लगे वो तो हमने सबने देख लिया, फेसबुक पे दिखाएंगे तो डिलीट कर देते, वीडियो दिखा नहीं सकते, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ एक पाकिस्तानी होने के नाते, आपसे भाई बंदी दोस्ती वो सब अलग, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये पहली बार इतना बड़ा वाकया या सानिया हुआ है, क्या इकरारुल हसन से आइंदा हम उम्मीद रखेंगे कि ऐसे ही कूदेगा मैदान में या पीछे हट जाएगा? चला कामरान भाई जो बुरी तरह जख्मी भी है, बिल्कुल बहुत अच्छा, मुझे यही उम्मीद थी कि यही जवाब मिलेगा, इसलिए मैंने सवाल किया था, क्योंकि आपसे हमें यही उम्मीद है कि जब तक सांस चल रही है जब तक लड़ते रहेंगे, और जिस दिन शहीद मौत नहीं, ऐसे लोग शहीद होते हैं, और जिस दिन शहीद हो गए उसके बाद फिर कोई और अल्लाह ने अगर दिया इकरारुल हसन तो ठीक है, वरना अच्छा वसीम भाई हमारे बहुत हर दिल अजीज जिसे कहते हैं, वसीम भाई आपके क्या तासुरात हैं, आपके तो बड़े करीबी दोस्त साथी पार्टनर पता नहीं और क्या क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बहरहाल बड़े करीबी दोस्त, आप क्या कहेंगे, आपको कितनी तकलीफ हुई इस चीज से? और बहुत अफसोसनाक है, बड़ा खतरनाक है, जब ये सब हो रहा था जब टीवी पे चल रहा था तब इत्तेफाक है, तो उस वक्त मैं बड़ा हंसते खेलते चल चला के अपना टीवी प्रोग्राम कर रहा था, मुझे उसके बाद मालूम हुआ 12:15 बजे कि ये सारा कुछ हुआ, लेकिन इसका सारी स्टोरी इकरार ने बता दी, इसका सबसे ज़्यादा दर्दनाक पहलू यही है कि गैर मीडिया का पर्सन एक ऐसा आदमी जो कितना नोन हो, वो जाहिर है कि आम आदमी से ज़्यादा बासर समझा जाता है, अगर उसके साथ ये सब कुछ हो सकता है जो कि उन्होंने एक एक करके सारी बातें बताई, ये तो कोई फिल्म की दास्तान तो नहीं है ना, ये तो सारा कोई इसमें कोई मुबालगा भी नहीं, और बड़ी अच्छी बात की कि भाई अगर इसमें कोई मुबालगा है कोई झूठ है तो वो तो झूठ एक्सपोज हो सकता है, सीसीटीवी फुटेज दिखा दे, तो अगर ये है तो फिर आम आदमी तो बेचारा पता नहीं, मतलब बस उसकी तो मतलब उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना, यानी फिर इसका मतलब ये है कि ऐसी कितनी दास्तानें होती होंगी जो सुबह रकम होती होंगी, शाम में दफन होती होंगी, रात में खत्म हो जाती होंगी, घर वाले रोते रहते होंगे, और हमें मुझे आपको पता भी नहीं होगा, तो ये यानी ये एक इस लिहाज से बहुत बड़ा आदमी है कि अगर यहाँ इकरार के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई खास या कोई आम इधर है, हर इंसान बराबर है, उनका भी इकरार का भी ये है, लेकिन एक एक ऐसा आदमी जिसको सब जानते हैं, जिसकी रसाई है और सबको पता है किसकी रसाई है, इसका मतलब जो ये सब कुछ कर रहे हैं जब इन्होंने बताया उसका ये माइंड सेट है कि भाई कोई को नहीं बिगाड़ सकते, जाओ। और जिस हाल में मूवी बनाई है इन सब की, इकरारुल हसन की और टीम की, तो ये मुआशरती ये है बड़ा आलमी है कि इसका मतलब आम आदमी का तो पता नहीं क्या होता होगा, अल्लाह करे कि इस वाकये को एक केस स्टडी के तौर पे
ऐसा कुछ कर लिया जाए कि भाई आगे किसी आम